लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन से थोड़ी सी दूर है। कौन सा मॉडल है? कितने की? एक सी और भाई मार। हाँ, रेट इतना खतरनाक लगाते हैं, किसी को देनी नहीं होती। बाइक के रेट ने डबल कर रखे हैं। एक कैमरा लेके घर से निकल गया। मैं काफी दिन से व्लॉग बना नहीं रहा था, बाहर गया हुआ था किसी काम से, क्योंकि YouTube तो पैसे देता नहीं है, पैसे तो हमें कमाने पड़ेंगे, तो कोई वीडियो भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। आज कैमरा उठाया। हेलो गाइस, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद अरशद, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अर्श व्लॉग्स। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको पता है कि मेरे यूट्यूब में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, और जो ये व्लॉग नया देख रहे हो मैं उनके लिए नया ही हूँ। थोड़ा सा काम ये था कि रिजवान को अपनी बाइक देखनी है। जो रिजवान बाइक चला रहा था वो सेल कर दी है, अब दूसरी बाइक ढूंढ रहा है, कोई अच्छी सी बजट में बाइक मिल जाए। तो अभी हम जा रहे हैं बाइक देखने के लिए मार्केट में। वैसे तो बहुत देखी बट मिली नहीं, तो अभी सोचा कि मार्केट चल रहे हैं एक बार डीलर के पास, क्या पता उनके पास कोई अच्छी बाइक मिल जाए। सभी डीलर एक जैसे नहीं होते, और आपको भी दिखाएंगे कि पुरानी बाइकें कैसी हैं। फिलहाल तो बस यही देखते चलो जो हम दिखा रहे हैं, बाकी तो आगे के व्लॉग जो आएंगे ना बहुत बढ़िया बढ़िया आएंगे। आपको बताया नहीं हम कौन सी मार्केट में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं लाजपत नगर बाइक मार्केट में, सेकंड हैंड बाइक देखने के लिए जा रहे हैं, और मैं आपको भी दिखाऊंगा कि मार्केट कैसी है वहाँ की और कहाँ पे है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो बस यहाँ से थोड़ी दूर और रह गई है लाजपत नगर मार्केट। ये है लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन। लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन से थोड़ी सी दूर है जो बाइक मार्केट है। यहाँ से एक ये रोड जाता है अंदर को, ये वाला, हाँ, नीचे से यू टर्न लेना पड़ेगा। ये एक पेट्रोल पंप है आगे, वहां से यू टर्न लेना पड़ेगा। ये डिफेंस कॉलोनी है। मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है बारिश पड़ने के बाद। हमारी तरफ बारिश नहीं हुई अभी, और यहाँ पे लाजपत नगर में काफी बारिश हुई और मौसम अच्छा हो गया है, और धूप भी निकल रही है, हल्की हल्की धूप निकल रही है। ये देखो यहाँ पे ना ट्रैफिक देखो। तो ये स्टार्ट हो गई है लाजपत नगर की मार्केट। अभी यहाँ ऑफिसेस वगैरह, शॉप वगैरह है यहाँ पे, और अभी हम चल रहे थे उस तरफ। ये साइड में मेट्रो है, ये यहाँ से थोड़ी सी दूर है बस बाइक मार्केट। ये कार मार्केट है, यहाँ पे एसेसरीज वगैरह कार की चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हो। ये सामने पूरी कार एसेसरीज मार्केट है, वो एलिगेंट कार एक्सेसरीज, उधर जैम कार डेकोर, और वहाँ मेट्रो स्टेशन बिल्कुल थोड़ा सा आगे क्लासिक मोटर्स इस वाले से। हाँ, ये पूरी इधर जाओगे ना तो कार मार्केट है पूरी, और यहाँ से सीधा जा रहे हैं बाइक मार्केट में। अभी ये यहाँ से स्टार्ट हो गई है बाइक मार्केट। गाड़ी इधर पार्किंग, यहाँ सारा पार्किंग, यहाँ पार्किंग है। अभी देखते हैं हमें किस पे जाना है, थोड़ा सा उधर जाएंगे, उधर भी है इधर भी है। अभी फ़िलहाल तो डिसाइड कर रहे हैं कि किसके पास जाना है, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे आया था और अभी दोबारा आया हूँ, करीबन एक साल हो गया ना रिजवान। एक साल पहले आए थे हम यहाँ पे, तो अभी बस पार्किंग ढूंढ रहे हैं, और पार्किंग ढूंढने के बाद गाड़ी लगा के और जाएंगे अभी किसी भी डीलर के पास, वहाँ करेंगे बात, देखेंगे बाइक। कौन सा मॉडल है? समरा। कितने की? एक मिनट। तू क्या बस? हाँ तो वही क्या है? कौन सा कौन सा? कौन सा? कौन सा 2017 मॉडल है? 55,000। कौन सा मॉडल है? 15। Thank you.
क्या कह रहे जान? इन लोगों को ना गाड़ी देखनी ही ना होती, रेट हाँ रेट इतना खतरनाक लगाते हैं, किसी को देनी नहीं होती इनका। बंदा आया है कम से कम 200 करोड़ इस तरीके से। तुझे कौन सी बाइक पसंद आ रही है यार? देख तो R15 ले लो भाई, आग बंद करके कल को बेचनी हो ना, एक मिनट में बिकने वाली है। ये तो है कि उसकी रिसेल है यार, वो रिसेल हो जाती है उसके आराम से, पसंद से नहीं मजा आएगा भाई। मार डीलर तो साहब की गाड़ी नहीं देता है भाई, डीलर तो आप किसके पास लेगी गाड़ी? उसके 68 एकदम यार, क्योंकि मार्केट में रेट इतने बाइकों के बहुत ज़्यादा, बाइक के रेट ना डबल कर रखे हैं, जो सेकंड हैंड के रेट होने चाहिए ना वो नहीं है। रिजवान के पास ना FZ थी और FZ इसने बेची और ना FZ ही ले रहा है, और या फिर CBR या R15 है ना, R15 मिल रहा है। हाँ तो इनमें से बाइक से पहले ना सीट बेल्ट लगाता हूँ, उसके बाद और लगता है मुझे मास्क वाले खड़े होंगे सामने, पहले यहाँ से निकल जाते हैं उसके बाद बात करते हैं। मैं पिछले साल ना करोल बाग भी गया था बाइक देखने के लिए, अपने लिए मैं डोमिनार या फिर कोई और बाइक भी देखने के लिए गया था। वो वहाँ पे जो डोमिनार के रेट थे ना 2019 मॉडल के, वहाँ पे उन्होंने 90,000 बताया था और यहाँ पे बताया है 1,40,000, डबल रेट। ये जो लाजपत नगर की मार्केट है वो हर किसी के लिए नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ना बाइक बेचने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो इनके पास बाइक है ना उसी रख के वो खुश हैं। फैशन दिखाने के लिए ऑफिस खोल रखा है, अपने पास इतना माल पड़ा है, मेरे पास इतना माल पड़ा है, बस ये इसीलिए इन्होंने शॉप खोल रखी है और कुछ नहीं है। तो करोल बाग की जो मार्केट है वो इससे अच्छी है, लाजपत नगर मार्केट जो बाइक के सेकंड हैंड बाइक के लिए ना अच्छी नहीं है, और बहुत महंगी बाइक देते हैं यहाँ पे। कोई सी भी बाइक ले लो सबके रेट बढ़ के मिलेंगे, जो मार्केट में रेट चल रहा है ना उससे डबल ट्रिपल ही रेट बताते हैं। हम जो गए थे बाइक देखने के लिए हमें बिल्कुल नहीं मिली, और जो बाइकें मिल रही थी जो थोड़ी बहुत ठीक थी उसके रेट बता रहे थे भाई, डबल रेट बता रहे थे। तो बेकार है मार्केट, हो सकता है इसके नेक्स्ट व्लॉग में ना करोल बाग जाऊं वहां की मार्केट आपको दिखाऊं। मैं इतने दिन कहां पे था, मैं यहां से दिल्ली से गया हुआ था बाहर अपने काम वाम के लिए, दुबई नहीं, दुबई नहीं गया था मैं था तो इंडिया के अंदर ही, और था कहीं पे इस, मैंने उसके ऊपर ना एक ही ब्लॉग बनाया था क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, उसको डालूं ना डालूं सोच रहा हूं, क्योंकि अब तो मैं वहां से आ गया हूं, अब सोच रहा हूं यार एक दो ब्लॉग ना बनाते रहना चाहिए डेली। कुछ ना कुछ जो भी मेरे साथ हो रहा है जहाँ मैं जा रहा हूँ वो सब ब्लॉग बना के डालूंगा, लाइक भी करना है देखना भी है। अब बनाऊंगा मैं, मेहनत मैं करूंगा, लेकिन बाकी का काम आपका है। ब्लॉग को देख के लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आ गया हूँ दिल्ली वापस, और कुछ ना कुछ तो बनाऊंगा ही है ना, जहाँ भी जाऊँगा मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, क्योंकि ब्लॉगिंग अगर स्टार्ट की है तो अच्छे से करना चाहिए ना, मैं बीच में ना कहीं गायब हो जाता हूँ। क्या है कि मुझे ना अपना काम भी देखना है और ब्लॉगिंग भी देखनी है, तो मैं सोच रहा हूँ वीकली ना एक ब्लॉग तो डालते ही रहूँगा, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वीकली एक ब्लॉग डालता रहूँगा। मैंने क्रेटा ली लेकिन क्रेटा से कोई भी एक भी टूर नहीं गया, कहीं गया हूँ अभी कहीं भी नहीं गया। सोचा था लद्दाख भी जाऊँगा, स्पीति जाऊँगा, K2K राइड करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, कुछ भी नहीं किया यार। कोई नहीं, जैसा भी होता रहेगा वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी ये व्लॉग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ये छोटा सा व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया, तो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करना है, और चैनल को क्या करना है, हाँ थोड़ा ऊपर चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।